अब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर ली सारी इसकी कॉस्ट भी निकाल ली लेकिन कॉस्ट सिर्फ यूनिट की निकली है है ना अब उसके बाद ये जो डिमांड है उसके हिसाब से कॉस्ट भी वेरी करेगी अब एक जैसे घर का आदमी है उसको बिजली फराहम करनी है तो उसकी कीमत दूसरी होगी जो इंडस्ट्री के जो है वो उसकी कीमत दूसरी होगी उसके क्या प्रिंसिपल हैं किसी किस तरीके से वो उसको किया जा सकता है और फिर ये कि अब हमारे पास जो है सोर्सेज़ हैं वो रीन्यूबल सोर्स भी आना शुरू हो गई हैं उसकी वजह से और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है अब हर शख्स प्रोड्यूसर बन गया है अगर आपके पास सोलर सेल है आपके घर में तो आप अपनी एनर्जी ख़ुद प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो आप ख़ुद प्रोड्यूसर बन गए मेरे घर में पूरा यूनिट है अब उसका यूनिट का नाम भी है वो मैं एक कंपनी बन गया हूँ जो प्रोड्यूस करती है जो यूटिलिटी है उनको बेचते हैं अब ये लाहौर में भी यही सिलसिला है बल्कि और मेरा ख़्याल है हर जगह पाकिस्तान में ये है कि आप अगर बनाते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो आप यूटिलिटीज़ को बेच दें और फिर वो अपना हिसाब किताब कर लेंगे आखिर में जाके कि कितना आपने उनको बेचा और कितना उनसे ख़रीदा तो उन सब के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है एक इस तरह जैसे मैनेज करना पड़ता है पावर को तो ये जो एनर्जी मैनेजमेंट में जो है बहुत बड़ी इम्पॉटेंट चीज़ हो जाती है इसके अंदर जिसके अंदर आ, ये जो मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन एनर्जी यूज का कि कैसे इस्तेमाल हो रही है कैसे मॉनिटर uh, कैसे करते हैं कि उसकी इस्तेमाल किस तरीके से हो रही है फिर उस इस तरह से उसका जो प्राइस uh, स्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए तो जो एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ कोल्स होते हैं वही सबसे सबसे बड़ी बात ये कि uh, मुख्तलिफ यूटिलिटीज हैं ना जैसे मैंने आपको बताया जितने भी सारी डिस्कोज हैं उनसे लेके उनको देना और फिर उनके हिसाब से एलेक्ट्रिसिटी उनके uh, हर एक के लिए अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी कराची एलेक्ट्रिक बेच रही है वो उस प्राइस पे तो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी शायद जो आ, जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक वालों की होगी वो या दूसरी जगहों की होगी वो लेने इतने, इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि पता चला मुल्क में इंतजार फैल गया कि कराची में इतनी सस्ती बिजली है इतनी महंगी क्यों है तो वो उसको भी सारा कंट्रोल ये मैनेज ये सारा मैनेजमेंट का काम होता है प्राइसेस जो है उनको ज़्यादा दूर तक के नहीं जाना चाहिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो 2023 के जो मसाइल हैं उनको अगर निकाल के देखें ना तो हर चीज़ को एक, एक, एक उसका मकसद ये होना चाहिए कि किसी तरह प्राइसेस को कंट्रोल में रखें या कम करें ज़्यादा बढ़ने की वो बाज़ ऐसी फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि बढ़ना ज़रूरी होता है लेकिन सारी इसके मैनेजमेंट की मकसद ये है कि कंट्रोल में रखें अगर बढ़नी भी है तो इतना बढ़े कि किसी आम आदमी के फिर इस्तेमाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंजम्पशन को कम करना अब ये तो खैर कल्चरल सी चीज़ें भी हैं इसके अंदर इंक्लूडेड लेकिन ज़्यादातर ये जो मैनेजमेंट वाले जो काम करते हैं वो इस तरह के सबको इन्वॉल्व जितने स्टेक होल्डर हैं उन सबको इन्वॉल्व करके कि भई आप अगर घर है सर्दियों में अगर आप उसमें गैस चला रहे हैं तो ये तो ना हो कि पचास फ़ीसद तो गर्मी आपके घर घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अंदर नहीं रह सकती जैसे हमारे पास तो ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि घर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाए कि वो गर्म गर्मी को अंदर ही रखे क्योंकि फिर गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं गर्मी आती हैं तो अगर वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसको मैनेज कैसे करते हैं साल भर का तो ये सारा एनर्जी मैनेजमेंट का काम है और फिर ये कि मार्केट की जितनी कॉम्पिटेंसीज़ हैं हर कस्म की कॉम्पिटेंसीज उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ डिवेलप होता है और वो जो पहला वाला बॉक्स है ना लोड प्लान टाइप उसको अगर आप एक तरफ से रख दें वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का आप रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं आप विंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं आप कोल एनर्जी उसके हिसाब से जो एक यकीन हर चीज़ की कीमत खी, मुख्तलिफ होगी ना जैसे मैंने आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बताया था वो इन चीज़ों की मुख्तफ होती हैं आपने देखा था वो चार्ट हर चीज़ में मुख्तलिफ थी तो उनको अलग अलग से उसको कंसिडर करना पड़ता है लेकिन नीचे वाले सारे बॉक्सिस को आप करें ना कि अब जैसे डोमेस्टिक कमर्शल इंडस्ट्रियल है तो इनको कैसे सप्लाई किया जाए इनकी जरूरिया मुख्तलिफ होती हैं कम होती है डोमेस्टिक अगर वो घर की है तो उसको कंपेयर तो नहीं करते फैक्ट्री वालों के साथ कितनी मैक्सिमम डिमांड है आपकी आपकी जो इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल वो एकदम से रात को बड़ी बड़ी मशीनें चली तो इतनी उसमें पीक आ गई उसके अंदर तो वो पीक अगर उसको पहले से प्लान नहीं की जाए तो फिर तो पीक में तो गड़बड़ हो सकती है तो फिर वो अगर उसके लिए प्लान किया है तो उसके भी खर्चे ज़्यादा आएंगे तो इसका मतलब इस किस्म की डिमांड अगर होगी तो फिर उसके टैरफ भी उसके मुख्तलिफ होंगे लोड पावर फैक्टर ये डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहा है टाइम एट विच मैक्सिमम लोड इज़ रिक्वायर्ड दिन में चाहे शायद महंगी मिल जाए रात में शायद सस्ते मिल जाए जब लोगों को ज़रूरत इतनी नहीं होती और कितनी आपको टोटल एनर्जी चाहिए डिमांड साइड जो प्रेशर है वो पाँच मुख्तफ़ कस्म के हैं अब उसको ऑप्टमाइज करना ये सारा फिर ये मैनेजमेंट का काम है या फिर जितने भी टेरफ डिटर्मिनेट जो अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे नेपरा वाले होते हैं वो फिर बैठ के देखते हैं कि इनको क्या क्या करना चाहिए अब ये टेरफ टाइप्स देंगे बहुत सारे हैं ना किस किस्म के टैरफ्स हैं बिल में इतनी सारी चीज़ें हैं उन सारे फैक्टर को कंसिडर करना फिर बिल बनाना वो एक बड़ी बात होती है और ए, उसको उसके समझना कि भाई ये अगर आप छोटे इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्या आपको ज़्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए है ना ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है कई जगह कई ममालिक में आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बिजली सस्ती हो जाती है कई ममालिक में अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बिजली महंगी होती है उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि आप ज़रा कम से कम इस्तेमाल किया करें या एफिशेंसी ज़्यादा किया करें तो मुख्तलिफ उसके फार्मूले होते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीस बाईस मुख्तफ फैक्टर्स होते हैं मैंने दो तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है एक तो यह सीधा साधा सिंपल टेरफ कि भाई हर यूनिट की प्राइस ये है उसके हिसाब से आप जितने भी यूनिट ख़रीदेंगे आप वो ले लें उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे जो मेन जो मैं दिखाना चाह रहा था वो नेट मीटरिंग उसमें नेट मीटरिंग में यह है कि ये उनके लिए है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोलर सेल वगैरह जिनके घर में लगे हुए होते हैं तो नेट मीटरिंग में यह है कि आपने कितनी बिजली बनाई और आपने कितनी बिजली खरीदी दिन में बनाते हैं रात को अगर सोलर सेल है सिर्फ बैटरी नहीं लगी तो फिर वा वापडा से या कराची इलेक्ट्रिक से या जो भी डिस्को है उनसे खरीदनी पड़ती है तो वो फिर उनका बैलेंस कैसे करते हैं कितना बना कितना घटा कल मैं एक मेरा दोस्त था उसके मैं वो देख रहा था आ, बिल उसके अंदर लिखा हुआ था कि बेचेंगे तो आपको इस हिसाब से वो हर हिसाब लगा ले लेकिन ख़रीदने की वो छोटी सबसे कम वाली जो वो होती है ना रेट उसके ऊपर वो खरीदते हैं लेकिन वो बहरहाल खरीदते तो हैं कम अज़ कम तो वो ये इसको नेट मीटरिंग कहते हैं कितना आया कितना गया उसको मिला के फिर वो हिसाब कर लेते हैं पैसे के हिसाब नहीं होता वो फिर जो आप खरीदते हैं ना रात के वक्त वो उसके हिसाब से मैं कुछ एडजस्ट हो जाता है हमारे पास गैस वाले भी आते हैं तो वो हमारे पास अगर ज़्यादा हो जाए नेट मीटरिंग में मतलब हमने यूटिलिटीज़ को ज़्यादा बेचा तो गैस का जितना खर्चा है उसमें उससे भी निकल आता है तो ये आप ये देखें मार्च 2023 का यूनिट प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं कमर्शियल प्राइसेस चालीस रुपये तक की चली गई है और जो डोमेस्टिक जो है वो बारह से सत्तर रुपये तक की चली जाएगी तो इसकी वजह ये है कि ना सिर्फ वो इंक्लूजन जो मैंने आपको पहले समझाया था कि जितनी वेरिएबल इनका वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उन सबको मिला के बल्कि उसके अलावा जितना भी स्ट्रक्चर जो अपने पंद्रह बीस स्ट्रक्चर देखे थे किसको कितना चाहिए और किस वक्त चाहिए उस सब से हिसाब से मिला के फिर उन्होंने ये तय किया कि हर यूनिट की प्राइस ये होनी चाहिए अब ये आखिरी फैसला नहीं है इसका मतलब अभी भी आगे जाके आपके खिलो आवर कितने घंटे तक के आपको सब सप्लाई चाहिए उसके हिसाब से भी फिर इसमें एडजस्टमेंट होगा कि कितना आपको किस हिसाब से देनी चाहिए ये तो एक रेंज है रेंज के अंदर जो भी बीच में आए वो उसके हिसाब से अलग अलग उनका हिसाब किताब होता है तो ये एक टेरफ मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी इकनॉमिक्स को समझने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर अब तो ये देखें एक छोटा सा ये बिल है वह वालों का ए बी सी डी ई एफ ये चारों मुख्तफ फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करता है आप कितनी चाहिए कब चाहिए फिर ये हिसाब लगाते हैं कि जी इनका ये फी यूनिट इतना बनता है अब फी यूनिट पचास पहले पचास यूनिट के इतने होंगे फिर उसके बाद दूसरे यूनिट कितने होंगे मतलब पंद्रह पंद्रह डॉलर पंद्रह रुपये फी किलो वाट आवर हो गया हाँ किलो वाट आवर से क्या होता है किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है कितनी एनर्जी किलो वाट आवर किलो वाट आवर का आप समझ लें कि आवर हुआ ना एक घंटा किलो वाट का आप समझ लें एक आपकी मशीन जो तो, कपड़े धोने वाली मशीन है वो हज़ार वाट की होती है है ना तो एक कपड़े वाली मशीन को आप एक घंटे चलाएंगे ना वो एक यूनिट आपका खत्म हो जाएगा इसका मतलब पंद्रह रुपये हम आपके कपड़े धुलते हैं अब उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कितनी मरत धुलेंगे उसका खर्चा कितना आएगा ये सिर्फ एक ही बात कर फिर आप बिजली लगाएँ एयर कंडीशन की तो छोड़ ही दें बात वो तो बहुत ही ज़्यादा उसमें खर्चा आ जाता है तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा उसको कंसीडर करना पड़ता है वो बाद ऐसे टेरेस मैंने आपको दिखाए थे जिसमें एक इंसेंटिव होता है कि आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कम से कम कीमत होगी बाद जगह उल्टा होता है कि आप कहेंगे वो आप तो इतना सा इस्तेमाल करें आपको तो ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तलिफ होता है ये हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का एक बिल है दो हज़ार तेईस का अब इसमें देखें कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें पचास यूनिट में कितना होगा सौ यूनिट में कितना होगा दो सौ यूनिट में कितना होगा अब इनके हिसाब से बढ़ता जा रहा है जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका उनका बढ़ता जाएगा प्राइस हाँ तो ये इसका मतलब ये क्या लोग फिर थोड़ा सा जैसे ये टेलीफोन का हिसाब होता है ना कि आप इतने इस्तेमाल करेंगे तो फिर कम से कम इस्तेमाल करें तो कम से कम खर्चा आएगा सीधी सीधी बातें और उसको फिर वो सारे जितने सर चार्जेस हैं इसके उसके सब मिला मिलू के फिर आखिर में तय होता है कि कितने आखिर की यूनिट की प्राइस कितनी आ जाती है तो ये जो है ये ये हम तो स्ट्रक्चर को समझ के फिर ये पता करना पड़ता है कि ये जो हर एक इलेक्ट्रिसिटी यू, यूनिट का कितना खर्चा बनता है